नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। टीवी एक्ट्रेस आशा नेगी इन दिनों चर्चा में है। वो कुणाल खेमू संग वेब सीरीज अभय 3 में नजर आने वाली हैं। उन्होंने टीवी से अपना सफर शुरू किया था और इसी दौर में उनकी मुलाकात एक्टर ऋत्विक धनजानी से हुई थी। दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। उन्होंने 7 साल तक डेट किया, लेकिन 2020 में ब्रेकअप का फैसला सुनकर फैंस को भी हैरान कर दिया। एक्ट्रेस पहले भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि कैसे लोग उन्हें दोषी मानते हैं और कहते हैं कि अब फिल्मों में काम करने लगी है तो उसे कहां डेट करें। जहां एक तरफ आशा नेगी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, वहीं कई लोग हैं जो उन्हें अभी भी ऋतिक धनजानी संग ब्रेकअप को लेकर ट्रोल करते हैं और रिश्ता टूटने का इल्जाम उनके सर पर लगाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल वर्क से क्या लेना देना है। जब उनका ब्रेकअप हुआ तभी उनकी फिल्म लूडो रिलीज हुई थी और उस समय भी उन्हें जज किया गया था। एक्ट्रेस ने कहा, बहुत से लोग जो ये कह रहे थे कि इसे फिल्म मिल गई इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया, वो कहते थे अब तो फिल्म एक्टर बन गई है, अब उसे क्यों डेट करेगी। लोग ऐसे ही बिना कुछ सोचे जज करते हैं, वो खुद ऐसी बातें सोच लेते हैं जो कि बहुत बुरा है। जो भी हुआ वो मेरे और उसके बीच था, हमारे बीच प्यार और सम्मान है और मुझे नहीं लगता कि किसी को फर्क पड़ना चाहिए। आशा और ऋत्विक की मुलाकात पवित्र रिश्ता सीरियल के सेट पर हुई थी। दोनों 2013 से रिलेशनशिप में थे। लंबे समय तक साथ रहने के बाद साल 2020 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इस खबर ने फैंस को झटका दिया था। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।